लाल सिंह चड्ढा का ट्रेलर देखा कल मैंने, टेलर बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। मुझे इस टेलर में लाल सिंह चड्ढा कम और पीके ज्यादा नजर आया, क्योंकि इसमें जो पहले आमिर खान दिखाया है यानी कि वो पीके के जैसा ही था। मैं आपको एक बात बता दूं कि ये पहले एक मूवी आई थी, अमेरिकन मूवी है, जिसका नाम है फॉरेस्ट गंप। ये मूवी उसके बेस्ड पर बनी है। 1994 में ये मूवी आई थी और इस मूवी में भी वो कुछ दिखाया है जो लाल सिंह चड्ढा में दिखाया जाएगा। जिन्होंने लाल सिंह चड्ढा ट्रेलर देखा है उनको शायद नहीं पता चलेगा कि ये फॉरेस्ट गंप का रीमेक है, और जिन्होंने फॉरेस्ट गंप देखी हुई है वो शायद ये मूवी ना देखें, क्योंकि अगर ये फॉरेस्ट गंप का रीमेक हुआ तो जो नई ऑडियंस होगी उनको शायद ये मूवी पसंद आ जाए। मैं तो आशा करता हूं कि ये फॉरेस्ट गंप का पूरा रीमेक ना हो। ये मूवी 11 अगस्त 2022 को रिलीज होगी और इसको इंडिया और पाकिस्तान में भी रिलीज किया जाएगा। जी हाँ, और जो इसके डायरेक्टर हैं वो हैं एविडिट चंदन। और ये मूवी इस साल अगर अच्छी हुई तो बहुत बढ़िया होगी, पर लेकिन मुझे लाल सिंह चड्ढा तो ठीक है, जो कि पगड़ी बंधी हुई है, मूछ रखी हुई है, दाढ़ी रखी है, वो तो ठीक है, लेकिन उससे पहले बचपन का जो रोल दिखाया है और उसको जवानी में दिखाया है, उसमें थोड़ा सा मुझे लगा कि ये पीके ही है, क्योंकि मुझे लगा शायद ये पीके उतरकर ऊपर से नीचे फिर से आ गया। तो आशा करता हूँ ये मूवी अच्छी ही होगी। ये मूवी एक ऐसे इंसान की है जो अपाहिज होता है और वो अपने दम पर कैसे खड़ा होता और कैसे लोगों के ताने सहकर आगे बढ़ता है, इस स्टोरी में ये सब कुछ दिखाया जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ ये मूवी का पूरा रीमेक ना हो। अगर पूरा रीमेक हुआ तो ये मूवी मेरे हिसाब से नहीं चलेगी। वैसे भी आमिर खान सर अच्छी मूवी निकालते हैं जब भी निकालते हैं, तो मेरे ख्याल से ये मूवी भी अच्छी होगी। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा नाम है रुगेश, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे ताकि आने वाले वीडियो मेरे मिलते रहे। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक।